नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय बाद हम मिले हैं वापस एक ऐसी परिचर्चा पर जहां समाज के बहुत सारे छुए अनछुए पहलुओं से हम रूबरू होंगे, और वो भी एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका परिचय तो मैं देना चाहूंगी लेकिन वो परिचय की मोहताज नहीं है। और वो एक ऐसी ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं के साथ समाज में साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया हुआ है। डॉक्टर आरती स्मिथ, जिनका जन्म 2/8/1971 कटिहार बिहार में हुआ। साहित्य सृजन की बात करूं तो कविता संग्रह निःशब्द हूं मैं मायने होने के, तुमसे तुम तक, ज्योति कलश, अंतर्मन जैसे संग्रहों का उन्होंने सृजन किया है। इसी कड़ी में कहानी संग्रह की बात अगर हम करें तो सीट नंबर 49, बदलते पल और ब्लैक होल के भीतर, जिस पर आज हम और आप परिचर्चा का हिस्सा बनेंगे और मैडम के साथ आज हमारी परिचर्चा होगी। आलोचना संग्रह हिंदी साहित्य के पुरोधा, शिशु बाल किशोर साहित्य, मैं अच्छी हूं ना, यह मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है आदरणीय मैडम के द्वारा, और अंग्रेजी और उड़िया में भी इसका अनुवाद हो चुका है। सुनहरी भोर, मोहन से महात्मा तक, अद्भुत सन्यासी, गूगल भैया एवं कहानियां, हमारे घर कहाँ गए, अनूठा महात्मा 3 खंडों में, अनुदित पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला है। संकलन तथा संपादन के क्षेत्र में इन्होंने खासा कार्य किया है, जिसमें साहित्य कमल, हरीश नवल जी पर आधारित, बिखरे पुष्प, पगध्वनि कविता, इस तरह से साहित्य को समृद्ध बनाने में आदरणीय मैडम ने भरकस प्रयास किया है। इसके साथ रंगमंच नाटक योद्धा सन्यासी विवेकानंद का मंचन कराया जा चुका है, नाटक निर्देशन रेडियो आकाशवाणी कलाकार के रूप में मैडम ने खासा कार्य किया है। तो अब मैं यहाँ पर उनके परिचय को एक अल्प विराम देती हूँ, क्योंकि ये एक लंबी श्रृंखला है। पुरस्कारों के सम्मान की बात करें तो लंबी श्रृंखला है। अब मैं विलंब ना करते हुए आदरणीय मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी और इस परिचर्चा को आज हम प्रारंभ करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद मंजू। आप तो मेरी उन चुनिंदे पाठकों में से एक रही हैं जिन्होंने ना सिर्फ मेरी पुस्तकों को बल्कि विभिन्न पत्रिकाओं में जो कुछ भी जिस भी विधा में प्रकाशित होती रही है आपने सबका अवगाहन किया है, और आप जैसी पाठक ही हमारी कलम का बल है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने उन उस पंक्ति में हमें रखा है जहाँ पर लोग आना चाहते हैं, अब विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं आपसे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ पाई हूँ। आज हम आपके कहानी संग्रह पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, ब्लैक होल के भीतर। नाम से ही इसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो हर पाठक कवर देखते ही या फिर उस शीर्षक को पढ़ते ही जानना चाहेगा कि इसके अंदर मूल रूप से कौन सी बातें छिपी हुई हैं। बिल्कुल, आपने शीर्षक की बात की। ब्लैक होल बाहर ही नहीं है, ब्लैक होल हमारे भीतर भी है। आपने जितने भी संतों को सुना होगा वो हमेशा यही कहते हैं कि जो दुनिया बाहर दिखती है वो दुनिया हमारे भीतर है। तो बाहर वैज्ञानिकों के द्वारा या कहे जो भी खोजी हैं उनके द्वारा ऐसी मान्यता है कि ब्लैक होल टाइमलेस है, समय से परे ऐसा क्षेत्र है जहाँ समय बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, और उसके अंदर जो एक बार प्रवेश कर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन बाद के दिनों में यह पाया गया कि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं है, जो जो उसके भीतर आप प्रवेश करते हैं वहां रोशनी की एक अद्भुत दुनिया है उस ब्लैक होल के भीतर। आप अगर मान आपने कुछ दिनों पहले मुझसे पूछा था कि
इस चित्र का क्या अर्थ है? पुस्तक के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल जो चित्र है उसका क्या अर्थ है? दरअसल ये सारा खेल मानव मस्तिष्क का है। स्वर्ग नरक कहें, उथलापन कहें, गहरापन कहें, निराशा की गर्त कहें या फिर आशा की उजास, सब मानव मस्तिष्क और मन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे भीतर जो उजास है, जो रोशनियां हैं, और हमारे मस्तिष्क के अंदर जो एक बड़ा संसार है, एक ब्लैक होल है, अगर आप उसमें प्रवेश करते हैं, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, तो ज्यों ज्यों आप चेतना के साथ होते जाते हैं, चेतना जागृत करते जाते हैं, आप पाएंगे कि आप टाइमलेस होते जाते हैं, आप समय से परे होते जाते हैं, क्योंकि चेतना हमेशा समय से परे है। मस्तिष्क समय के बंधन में नहीं है, समय के बंधन में हमारा शरीर होता है, मृत्यु शरीर की होती है ना? आप यहाँ बिल्कुल बैठे हैं, आप उड़ीसा में बैठी हैं, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन हम जब किसी सोच में होते हैं, जब हमारी चेतना विचरण कर रही होती है, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, हम अतीत और भविष्य घुमाते हैं, और हमारे बिल्कुल भीतर का वह जो एक रोशन पक्ष है, विश्वास का, प्रेम का, उम्मीद का, वह हमेशा हमें हर अंधेरे से बाहर निकालता है। तो इस संग्रह को आपने पूरा पढ़ा है और आपने पाया भी होगा कि सरोकार तो है, लेकिन निराशा की गर्त में पात्र नहीं है, उन्होंने बिल्कुल वहां से बिल्कुल ओवरकम करने की कोशिश की है। जी। आप जैसे ही हमने अभी शीर्षक की बात की और कवर पेज के बारे में ही जब हमने बात की तो उसके अंदर बहुत गहराई नजर आई। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि इस कहानी संग्रह में 14 कहानियां हैं और सभी 14 कहानियां इतनी सटीक अपने विषय को लेकर, अपने शीर्षक को लेकर बैठती हैं, जैसे कि बेजुबां, परित्यक्ता, आखिरी पन्ना, गठरी, ये सब कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हैं, उनकी समस्याओं से जुड़ी हैं और वो किस तरह से अपनी समस्या से बाहर आती हैं, पढ़ने पर वो चीज नजर आती है। तो मैं मैडम से जानना चाहूंगी कि क्या इन सभी कहानियों में कहीं ना कहीं कोई समानता है? समानता नहीं, लेकिन ये सारे पात्र यथार्थ जगत के हैं, उनकी स्थितियां परिस्थितियां भी इसी जगत की हैं, काल्पनिक नहीं हैं। क्योंकि समाज में जो घटित हो रहा है मंजुश्री, समाज तक, बृहत समाज तक उस बात को कहीं अंधेरे कोने से निकाल कर पहुंचाना मेरा मकसद है। और बिल्कुल स्त्रियों की बात है तो यहाँ जैसा कि आपने खुद कहा कि हर एक अपने आप में मुकम्मल है, तो आपने यह भी पाया होगा कि हर कहानी एक अलग आयाम लिए हुए है। जैसे गठरी है, गठरी एक कस्बाई परिवेश को लेकर है, एक वृद्धा की कहानी है जो कि विधवा है। हम कहते हैं अक्सर कि महानगरों में ऐसा होता है, महानगरों में लोग माता पिता को नहीं देखते, या माता पिता अकेलेपन का शिकार होते हैं और उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से मैंने समाज को यह बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है, कस्बों में भी ऐसा हो रहा है, छोटे शहरों में भी ऐसा हो रहा है, जहां सबके होते हुए भी एक वृद्धा या एक वृद्ध परिवार के बीच खुद को अकेला पाता है, और उसकी मनोदशा क्या होती है ये तो पाठक जब पुस्तक पढ़ेंगे तो स्वयं जान जाएंगे। आपकी जो कहानी है परित्यक्त, जी परित्यक्त में निशा और विक्रम के माध्यम से जो आपने कहानी का ताना बाना बुना है,
उसमें निशा कोई कमजोर महिला नहीं दिखाई गई है, बल्कि एक बहुत ही जागरूक महिला है, मैं कहना चाहूंगी, जो ये जानती है कि अब परिवार को भी किस तरह से बचा कर रखना है, रिश्तों को भी कैसे बचा कर रखना है, लेकिन अंततः वो ये स्वीकार करती है कि इस पुरुष प्रधान समाज में कहीं ना कहीं वो मानसिकता बन जाती है कि वो महिला को ही या नारी को ही दबाना चाहते हैं। तो क्या ये कहीं इसमें सच्चाई है? मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि कोई भी घटना या कोई भी स्थिति परिस्थिति काल्पनिक नहीं है। ऐसी कई निशाएं हमारे समाज में हैं जो कोशिश करती हैं कि खास करके मध्यम वर्ग में, मैं तो ये कहूंगी कि मध्यम वर्ग में जो शिक्षित लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं, उनके ऊपर दोहरा दबाव होता है। दोहरा दबाव इस रूप में होता है कि उन्हें हर समय इस ताने से बचना होता है कि भाई तुमने पढ़ लिख लिया, तुम जॉब में हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उस उनके ऊपर दोहरा दबाव होता है। आप स्वयं ना सिर्फ शिक्षित हैं बल्कि आप दो परिवारों के दायित्व को लेकर चल रही हैं, आप जॉब भी कर रही हैं, तो आप बखूबी समझ पा रही होंगी कि वह दायित्व कैसा होता है। बावजूद इसके, जब जीवन साथी किसी की विनम्रता को, पत्नी की विनम्रता को, पत्नी के विवेक को, पत्नी की सहनशीलता को अगर अपनी जागीर और उसकी कमजोरी समझने लगे, तो रिश्तों के बीच तूफान आना सहज है, स्वाभाविक है। कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि वह अपने इर्द गिर्द बने संसार को इस तरह विखंडित करे। वह हमेशा जोड़कर चलना चाहती है। यहाँ मंजुश्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस कहानी में आपको क्या लगा, निशा ने जो हार कर अंत में कदम उठाया, वो गलत था या सही? जैसा कि मैं एक सुधी पाठक हूँ, आपके रचनाओं की आपके कहानियां कविताएं हैं, तो मुझे लगता है कि निशा का निर्णय ठीक था और निशा ने एक सही निर्णय लिया, क्योंकि वो एक लंबे समय तक वो चीज सह चुकी थी और अब सहन की शक्ति इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि वहां पे सम्मान खत्म हो गया। क्योंकि सम्मान की जब बारी आती है तो वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, सभी को अपना आत्मसम्मान बचाए रखना बहुत जरूरी है। और निशा ने भी यही किया। निशा ने रिश्तों को खत्म नहीं किया, बस विक्रम के अंदर के अहंकार को वो नष्ट करना चाहती थी जो कभी हो नहीं पा रहा था। वो रिश्तों में तो तब भी उसको बचा के रखना चाहती थी, बस वो सभी महिलाओं को शायद ये संदेश देना चाहती थी कि धूप है, पानी है, बिजली, तो कहीं चिंगारी है नारी। धूप है, पानी है, बिजली, तो कहीं चिंगारी है नारी। हिला के रख दे इस मही को, है कौन वही तो है नारी। क्योंकि महिला का अर्थ ही है मही को हिला कर रख देने वाली शक्ति। और विक्रम कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि शायद निशा कमजोर पड़ चुकी है या मेरे दबाव में आकर वो अपना मन बदल लेगी, लेकिन वो सशक्त है, वो एक जागरूक नारी है और एक अच्छी माँ भी है, तो उसका निर्णय मेरे हिसाब से सही रहा। मंजुश्री, संवाद बहुत गहरे तत्वों को बाहर लाता है, इसीलिए परिचर्चा जरूरी होती है। और यहाँ मैं आपका ध्यान एक और ले जाना चाहूंगी। मैंने यहाँ परित्यक्ता नहीं लिखा, परित्यक्त लिखा है। परित्यक्त, बिल्कुल परित्यक्ता नहीं है, हमेशा इस समाज ने स्त्री को एक बेचारी बना कर रखा है ना। जी, पति ने बिल्कुल यहाँ छोड़ दिया, पर ससुराल ने ये कर दिया, माँ बाप ने नहीं देखा, बेचारी सबकी मारी। नो, निशा हर उस विवेकी नारी का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ अन्याय अगर एक सीमा से आगे बढ़ जाए तो किस तरह उसको रोकना है? कहते हैं ना कि सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला।
जी बिल्कुल बिल्कुल तो आपने पूरी कहानी पढ़ी है, उसमें परित्यक्त शब्द का इस्तेमाल आपको कैसा लगा शीर्षक के रूप में? सशक्तिकरण की ओर लेकर जाता है, और ये भी बताता है कि हर हमेशा अबला नारी ही नहीं होती है, कोई और भी हो सकता है अगर वो उसका गलत प्रयोग करे। तो परित्यक्त बिल्कुल सटीक है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक कहानी के साथ ही अगर हमारी इतनी सारी बातें निकल रही हैं, तो आगे तो कहानियों की पूरी लाइन लगी हुई है। मनुष्य पैदा होता है बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से फिर बुढ़ापे की ओर जब बढ़ता है, तो समाज का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर वृद्ध वर्ग भी मौजूद है समाज में, जहाँ कई बार ऐसा लगता है कि उसे सम्मान मिल रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि उसे सम्मान नहीं मिल रहा, जैसे आपने प्रारंभ में भी बताया है। तो ये मानसिकता पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार के व्यवहार अपने घर के बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। कभी कभी मानसिकता ये भी कहती है कि अच्छा व्यवहार होता है लेकिन शायद बुजुर्गों को पसंद ना आए। तो आपकी कहानियों में भी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि आखिरी पहर, ब्लैक होल के भीतर, सांझ की रेख, गर्म बूंदें, ये सभी उन्हीं समस्याओं को लेकर उन्हीं उसी दायरे से कहीं ना कहीं गुजरती हैं। तो इन कहानियों के बारे में आप कुछ बताएं कि कहाँ तक आपने इन्हें पाया अपने इर्द गिर्द। मैं फिर कहूंगी, ये सब कस्बा, छोटे शहर और महानगर मैंने हर जगह पाया। कुछ कहानियां घर के अंदर की हैं, अपनों के बीच होकर भी जब हम अकेले होते हैं, वह दर्द आपको गर्म बूंदे में मिलेगा कि एक 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 करके मैं चलती हूँ कि एक जी जी बिल्कुल सेवानिवृत्त जो कि पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए गवा देता है, जो अपनी तरक्की को स्वीकार नहीं करता कि परिवार से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन जब वह सेवानिवृत्त होता है तो उसको समझने वाला कोई नहीं होता, यहाँ तक कि पत्नी भी उसको नहीं समझती। तो आप ये कह सकती हैं कि मैंने सिर्फ स्त्रियों के दर्द को सामने नहीं लाया है, एक पुरुष की मन स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति अलग अलग कहानियों में आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं गर्म बूंदे की बात कर रही हूँ, तो वह किस तरह अपने आप को पूरे परिवार से टूटा महसूस करता है। उम्र बढ़ती जा रही है, 80 वर्ष का हो चुका है, और सबसे अधिक वह कब टूटा महसूस करता है, जब उसकी पत्नी जिसने उसके साथ 60 वर्ष गुजारे, वह भी उसकी अवस्था नहीं समझती, उसकी पीड़ा नहीं समझती। और ये बातें जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, और अनदेखी बातें कई बार अधिक चोट करती हैं, और व्यक्ति उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो झुंझला जाता है, क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसके क्रोध के पीछे यह कारण नहीं होता है कि वह वाकई कठोर है या दिल का बुरा है। अगर वह दिल का बुरा होता तो अकेले में रोता नहीं, है ना? जी जी अब कोई भी दूसरी कहानी ले, आखिरी पहर। मैं संक्षेप में बात बढ़ा रही हूँ समय को ध्यान में रखते हुए। आखिरी पहर का वृद्ध बिल्कुल अलग है, वह वृद्धाश्रम में रहता है, लेकिन वह वृद्धाश्रम में स्वेच्छया रह रहा है, अपनी इच्छा से रह रहा है, वह परिवार का सताया हुआ नहीं है। उसके बच्चे आज भी उसको बहुत प्यार करते हैं, और उसके बच्चे पूरी केयर करते हैं, उसकी पूरी देखभाल करना चाहते हैं, पूरी सेवा देते हैं। वह वृद्धाश्रम में सिर्फ इसलिए है कि वह अपने जैसे लोगों के बीच रहे, उनकी तकलीफों को बांटे। और जैसा कि आखिरी पहर से गुजरते हुए आपने महसूस किया होगा कि अपनी कोई व्यथा उसने तस्वीर में जड़ी जा चुकी अपनी मृत पत्नी से नहीं की है, उसने वृद्धाश्रम में रहने वाले बाकी जो रहवासी हैं, जो निवासी हैं, उनकी बात की है कि उसको ये तकलीफ है,
वह ऐसे है, उसका भाई ऐसे कर गया। अब आप यहाँ देखें कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति देखता है तो वृद्धाश्रम सुनकर ही 100 बातें उसके परिवार के ऊपर कहता है, दोषारोपित करता है कि कैसा परिवार था जिसने अपने पिता को यहाँ भेज दिया। कहानी बिल्कुल विपरीत है, पिता स्वेच्छया आए हैं, जिनकी पत्नी उसी आश्रम में गुजर चुकी है। वो सबके दुख को अपना दुख मानते हैं और उनकी पत्नी जाकर भी उनके जीवन से गई नहीं है, और वो जब रात को नींद नहीं आती है तो वो अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते हुए उससे घंटों बात करते हैं। उस बातचीत में कहीं भी उनकी अपनी पीड़ा शामिल नहीं होती है। क्या शामिल होता है? वो सबके दुख की बात करते हैं और हर बार यही कहते हैं कि मेरा दलजीते बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है जो मेरी इतनी केयर करता है। तो मंजूश्री जी, मैं ये दिखाने की या बताने की कह लें कोशिश करती रही हूं कि जो दिखता है हमेशा वह सच नहीं होता, जो नहीं दिखता है वहां कहीं अधिक गहरा सच छिपा होता है। जैसे घर के अंदर जो बुजुर्ग आपके जाने पे मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि हर समय उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, जरूरी नहीं है 5 लोगों के बीच रहकर भी वो अकेले नहीं है, और जरूरी नहीं है कि जो वृद्धाश्रम में है वह अपने लोगों के सताए हुए हैं। चूंकि मैं वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई हूँ, कई एक वृद्धाश्रमों से जुड़ी हूँ, तो मैंने भीतरी तहों तक पहुंचने की कोशिश की है और उसकी एक वानगी इस कहानी के माध्यम से रखना चाहा है। अगर किसी कहानी विशेष पे आप कुछ और जानना चाहती हैं तो आप अपने विचार भी दें, इन कहानियों हाँ से गुजर कर बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं कैसा यही कहना लगा? चाहूंगी, ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि जहाँ समाज में ये माना जाता है कि ये सताए गए हैं, लेकिन आपकी हर कहानी में उनके अलग अलग भावों को या फिर उनकी अलग अलग स्थिति को बताया गया है, ताकि एक ये चित्र स्पष्ट होता है कि हर समय बच्चे गलत नहीं होते या फिर हर समय बुजुर्ग भी गलत नहीं होते हैं। सब अपने अपनी स्थिति में अपने अपने समय के अनुसार सही चल रहा होता है। बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देख रहे हैं बुजुर्गों को, बुजुर्ग भी यही समझते हैं कि अब उनका समय तो लगभग हो चुका है, अब उनकी संतान खुश रहे। तो ये तालमेल बहुत सुंदर तरीके से आपकी सभी कहानियों में जो उस दिशा में जाते हैं बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं। आशीर्वाद जाया कहाँ होता है, ठंडक वहां भी होती है जहाँ सूखे पेड़ का साया जहाँ होता है। तो घर में या फिर परिवार में बुजुर्गों का साथ कुछ इस प्रकार का ही होता है, और आपकी कहानियों में भी ये देखने को मिला। इसके बाद मैं एक कहानी की चर्चा करनी चाहूंगी यहाँ पे, जो कि इन दोनों विषयों से थोड़ी परे है। बरका हाथ, शोषण को लेकर आपने जो कहानी लिखी है बरका हाथ, इसके बारे में, बरका हाथ। जी हाँ जी हाँ, ये पहले भी देखा जाता रहा है और आज के समय में भी, वर्तमान में भी ये चीजें चल ही रही हैं। और जैसे आपकी कहानी के जो सभी पात्र हैं या फिर कहानी का जो ताना बाना है वो वर्तमान समय का ही है, तो इस पर कुछ चर्चा हम करना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कि ये कैसे आप इससे जुड़े, इस घटना से। देखिए पिछले कुछ वर्षों में मी टू शुरू हुआ, मी टू की चर्चा बहुत जी जोरों से चली। क्या लगता है आपको, सबने अपनी जुबान खोली है? सबने खोली होगी जुबान? अगर आप 3-4 दशक पहले जाएं, 21वीं सदी में अभिव्यक्ति बढ़ी है, निसंदेह अभिव्यक्ति बढ़ी है, लेकिन 20वीं सदी के अंत में अगर मैं कहूँ या अंतिम 2-3 दशकों में कहूँ, 20वीं सदी के महिलाओं को तो पता ही नहीं होता था कि यह भी शोषण का एक रूप है। बच्चों को और कहाँ पता होगा, कक्षाओं में तो बताया नहीं जाता था,
और छोटे बच्चों को जिस तरह आज स्कूलों में बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, उस समय तो यह नहीं था, लेकिन शोषण ज्यादा था। इसलिए कि जो शोषित है उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन जो शोषक है उसको मालूम है कि यह अबोध है, इसको जानकारी नहीं है। समझ रही हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। अब एक 8 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची जिसको कि मालूम ही नहीं है कि यौन शोषण होता क्या है, जिसको यह समझ में ही नहीं आता है कि वह हाथ किसका है, क्योंकि वहां कोई बाहरी पुरुष नहीं है, सभी परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और उस नासमझी के बीच जो भय उसके भीतर उतरता है, वह क्यों उतरता है, वह किसके प्रति उतरता है, यह तो स्पष्ट है। असुरक्षा अपने ही उस रिश्तेदार से जिसके घर वह घूमने गई है और जिसकी शिकायत वह अपनी माँ से नहीं कर सकती है, क्योंकि वह माँ का मायके वाला है, यानी उसका ननिहाल वाला है। बिल्कुल अगर आप कुछ दशक पहले जाएं, अब तो ये घटनाएं, अब मुझे लगता है रिश्तेदारों वाली कुछ घटी हैं, या फिर ये कह लें कि बड़े शहरों में आपको कम सुनने को मिलेंगी, ना के बराबर मिलेंगी, लेकिन गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में यह आज भी जारी है और पहले अपेक्षाकृत अधिक थी, क्योंकि बच्चा माँ से खुलकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता था। बेटी हो या बेटा, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। मैंने उस समय की आवाज को, भले ही 40 वर्ष बाद, मैंने उस समय की आवाज को शब्दों का जामा पहनाने की कोशिश की है और उस दर्द को खींचकर आप लोगों तक लाने की कोशिश की है, जो कि कहीं ना कहीं आसपास घटित हुआ था, कच्चा मन समझता नहीं था, लेकिन कानों में पड़ी हुई वे आवाजें अब कौंधती हैं। जैसा कि आपने इस कहानी के बारे में बताया है वर्षा हाथ, तो ये अगर आज के समय में भी ये घटनाएं हो रही हैं तो ये हर किसी को पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़कर कम से कम माताएं और जो परिवार के सदस्य हैं, जो पुरुष वर्ग है या महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं तो अवेयर होंगी, वो समझ पाएंगी कि ये सारी चीजें हम हमारे बच्चों तक ना होने दें, बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। और अगर अपने घर में सुरक्षा का भाव है तो कहीं पर भी ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सभी को सचेत होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये एक आपके सच्चाई है, सच्ची घटना है। आपके माध्यम से मैं हर एक माँ से यही अपील करना चाहूंगी कि अपने बच्चों के दोस्त बने, उनको खुलकर कहने का अवसर दें कि वो किसी से क्यों डर रही हैं या डर रहे हैं। इससे पहले जो मेरी पुस्तक आई थी, सीट नंबर 49, उसमें भी एक कहानी है, दहशत, वह भी सच्ची घटना पर आधारित। ऐसा हमारे अच्छा, कहीं ना समाज में कहीं क्यों हो रहा है, चाहे वह शहरी परिवेश हो या ग्रामीण परिवेश हो या कस्बाई परिवेश हो, 7-8 साल का बच्चा माँ को कुछ बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। बेटियां कहना चाहती हैं लेकिन उनको शब्द नहीं मिलते, माँ सुनने के पहले डांट देती हैं। मेरी अपील है, ऐसी कहानियों को सामने लाने के पीछे सभी माताओं से मेरी अपील है कि आप अपने बच्चे को सुनिए। जी सुने और समझने की कोशिश करें कि वो जो कह रहा है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है उसके पीछे, या अगर वो आज नहीं सुनेंगे तो कल को ऐसी कई घटनाएं घटती चली जाएंगी बिल्कुल और एक बड़ी घटना ऐसा आकार लेगी कि कुछ उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक शिक्षिका होने के नाते मैंने भी विद्यालय में भी अपने बच्चों से, क्योंकि इस उम्र के बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं, तो उनसे हमेशा यही कहा है कि अपने
घर में जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही हैं बात बताएं, ताकि कहीं डर का माहौल ना बने और किसी बात के लिए झूठ ना कहना पड़े। तो ये एक बहुत ही सार्थक पहल है, इस तरह की कहानियों को सामने लाने का, इस तरह की घटना को कहानी के रूप में सामने लाने का। वैसे ही एक और कहानी है, सांझ की रेख, जो कि शायद हम सभी ने उस परिस्थिति को, उस स्थिति को देखा है, झेला है लॉकडाउन के समय। और लॉकडाउन की घटना भी सबके लिए बहुत ताजा ही है, तो इस कहानी के बारे में आप थोड़ी सी चर्चा अगर करें तो बहुत अच्छा लगेगा, हम और इसके बारे में जान पाएंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ भी बुजुर्ग हैं, लेकिन यहाँ जी बुजुर्ग जी ना तो परिवार से सताए हुए हैं, ना उनका किसी से दिल टूटा है, लेकिन उनको उदासी कहाँ से आई? लॉकडाउन के कारण जो मिलना जुलना बंद हो गया, लोगों की आवाजाही बंद हो गई, बच्चों का खेलना बंद हो गया, तो एक ऐसा शिक्षित बुजुर्ग जो सजग नागरिक है, जो आसपास की परिस्थितियों को महसूसता है और विधुर है, लेकिन पत्नी की यादें उसके लिए खजाना है। छोटे छोटे उसमें आपने मोड़ छोटे छोटे मोड़ पाए होंगे कि बेटी चाय लेकर देती है, बेटी काम पर है, और उनकी अपनी सोच विचरती रहती है। नन्ही पत्ती उसके पास आती है, वो पत्नी से बात करते हैं, और उसी समय उनको एक फोन आता है उनके परिचित का। एक विधुर यहाँ है, एक विधुर वृद्ध, जिसको इस तरह का कोई पारिवारिक समस्या नहीं है, कोई मानसिक उथल पुथल इन बातों को लेकर नहीं है कि बच्चे उनको प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ एक ऐसा बुजुर्ग है जो परिवार के बीच होकर भी अपनी उपस्थिति को परिवार में नकारते हुए महसूस कर रहा है, यानी उपस्थित होकर भी वह अनुपस्थित है, और उसकी वानगी फोन पर उसके कहे दो तीन वाक्यों से मिल जाती है। निराशा आती है, सब कुछ बंद है, कहीं कोई जा नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता। बुजुर्गों की एक अलग सी चिंता थी कि क्या मैं बिना किसी से मिले इस दुनिया से गुजर जाऊंगा, एक अजीब सी चिंता, क्या मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा। और आप यकीन माने, 70% ऐसे बुजुर्ग मुझे मिले जो यही कहते थे, हमें और किसी बात का डर नहीं था, हम बस यही सोचते थे कि क्या बिना किसी से मिले हम चले जाएंगे। यह जो डर है, यह जो कोरोना की वजह से डर आया, और निश्चित तौर पर हम सब ने किसी न किसी को खोया था उस बीच, तो सांझ की रेख के माध्यम से मैंने उम्र की सांझ को दिखाने की कोशिश की है, और वहां एक ठहराव के साथ उनके मनोविज्ञान पर बात रखने की कोशिश की है। आप बताएं कि इस कहानी ने आपको कितना छुआ? बस यही था कि देखने सोचने का जो नजरिया है, जो बुजुर्ग मन को लेकर हमने बात कही है इस कहानी में, कि उनके लिए रिश्ते कितने जरूरी हैं, वो सबको देखना कितना चाहते हैं, सबके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और अंत में उनके लिए डर का भी यही कारण था कि अगर हम किसी से मिले बिना चले गए तो क्या होगा, तो वो रिश्तों को कितना सहेज कर रखना चाहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें लगी, और बाकी तो रिश्तों के चारों ओर ये ताना बाना बुनता गया। और वो समय कितना कठिन रहा, किस तरह से कष्टदायक रहा, तो बस मन में सबसे बड़ी बात थी कि रिश्तों को मैं देखना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं, उनको खोना नहीं चाहते हैं, इस तरह अंधेरे में नहीं बिखरना चाहते हैं, सबके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो सांझ की रेखा भी कहीं कहीं ऐसे लगती रही कि कहीं ये अपने परिवार की घटना तो नहीं, क्या अपने परिवार में ही शायद ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सब अपने अपने बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ। तो ये भी कहीं कहानी कुछ अपनी सी लगती रही। बहुत
इसी सिलसिले में, इसी इस कड़ी में हम जब आगे चलते हैं तो एक कहानी और हम देखते हैं, पाजेब। पाजेब की भी यहाँ पे बात करना चाहूंगी, जहाँ पर माँ की मानसिकता किस प्रकार की है। तो इस पर आप अपने विचार अगर बताएं कि आपने जब इसे लिखा तो आपको क्या लग रहा था कि इसमें किस प्रकार से इसको सामने लाना चाहिए, कहानी क्यों बननी चाहिए इस पर। माँ एक ऐसा शब्द है जो बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए महत्व रखती है। लेकिन माँ जब लड़की को कुछ बंदिशों में बांध देती है तो क्या उसकी मानसिकता सही होती है? माँ क्यों ऐसा सोचने लगती है? तो आप इस पे कुछ बताएं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल मंजुश्री। और पाजेब लिखने के पीछे मेरा ध्येय भी यही है। पाजेब बिंब है बेड़ियों का, पायल, पाजेब मतलब पायल। हम बेटों को हाँ पायल नहीं पहनाते हैं, बेटियों को यह कहकर पायल पहनाते हैं कि रुनझुन करेगा। वो सिर्फ रुनझुन नहीं करता, वो हर समय एहसास दिलाता है तुम्हारी सीमा क्या है। बिल्कुल, यहाँ जब आप इस कहानी से गुजर रही होंगी, आपने पाया होगा कि बड़ी होती हुई बेटी जब अपने अंतर्वस्त्र बाहर सूखने डालती है तो उसकी माँ एकदम से विरोध करती है उसका, कि अपने कपड़े यहाँ से हटाओ। बचपन से तो नहीं, लेकिन किशोरावस्था से जब लड़की बड़ी होती है उसके अंदर कई तरह के हार्मोनल चेंजेज होते हैं। एक तो वह स्वयं से जूझ रही होती है, अपने बदलाव से जूझ रही होती है। दूसरी तरफ जब घर में इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर उसको यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम बड़ी हो रही हो, और उसको साफ साफ एक भेद दिखाया जाता है कि लड़का यानी तुम्हारा भाई, उसके कपड़े, उसका कुछ भी, यानी वह कैसे भी रह सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। तुम लड़की हो तो तुम्हारे अंतर्वस्त्र भीतर सूखने चाहिए, बाहर नजर नहीं आने चाहिए, वह शर्म की बात है। जबकि पिता ऐसा नहीं सोचते, पिता अपनी बेटी को बोल्ड बनाना चाहते हैं। वो जमाने से अगर कोई उसके खिलाफ कुछ करता है तो उससे वह पूरी शक्ति से लड़ सके, इस योग्य बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को, और बेटी वैसी बन रही है। लेकिन माँ इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कहानी की शुरुआत ही अंतर्वस्त्र को लेकर हुई है, बिल्कुल और बेटी एक सीमा के बाद विरोध शुरू कर देती है कि नहीं हटाऊंगी और तुम भी नहीं हटाओगी। बात कपड़े की नहीं है, बात उस बंदिश की है जो कि 21वीं सदी में भी बेटियों पर थोपी जा रही है। आपने गौर किया होगा कि कहानी का परिवेश कोई गांव का नहीं है, कस्बे का भी नहीं है, छोटे शहर का भी नहीं है, महानगर का है, लेकिन सोच ग्रामीण है, सोच कस्बाई है। क्योंकि माँ छोटे शहर की है और माँ ने यह सब झेला है, तो उसका जो अवचेतन मन है वह कहीं ना कहीं अपनी माँ को अपने भीतर बसा लेता है, और फिर वह ना चाहते हुए भी, मतलब वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, वह चाहती है कि मेरी बेटी समय के साथ चले, लेकिन उसका वह जो अवचेतन मन है ना, तो वह उसको उस बेड़ियों से मुक्त होने देता है और ना वह अपनी बेटी को उस बेड़ियों से मुक्त होने देना चाहती है। लेकिन कहानी इन इस बेड़ियों को लेकर खत्म नहीं होती। इस 40 साला माँ को यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वह गलत है, उसकी बेटी गलत नहीं, कहीं ना कहीं उसने जो बेड़ियां झेली, जो बंदिशें झेली और जिसने उसको तकलीफ दी, वही तकलीफ वह आज अपनी बेटी को दे रही है।
और जब उसको यह रियलाइज होता है, जब वह इस सच को स्वीकारती है, तो वह अपने आप को बदलने तैयार होती है। तो घर ऐसे नहीं बनता, कई छोटे 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 नगीने होते हैं। अगर आप उसको सही जगह लगाते हैं तो वो चमकते हैं, अगर आप उसको जमीन पे कहीं कहीं फेंक देते हैं तो वो पाँव में आपके बहुत गहरे तक धंसेंगे, और वह जो दर्द है वह कांटे से अधिक होता है। इस कहानी में आपने एक जगह पाया होगा जब बेटी कहती है, पापा आप मम्मी क्यों नहीं हुए? पापा हाँ बिल्कुल, पिता आप समय मम्मी के क्यों साथ नहीं बदल हुए? रहे हैं जी। तो ये क्यों सोच रही है, ये ऐसा क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं मैंने यह वो आपकी आप स्वयं माँ हैं और किशोरी बेटियों की माँ हैं, तो आप इस कहानी को जी रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही नहीं मेरे उम्र की जो सभी माएं हैं इस दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि वो उम्र हमारे 20 साल पीछे छूट चुका है और हमने भी वो चीजें सुनी हैं, और अब वो समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को वो बताएं या ना बताएं, क्योंकि समय बदल गया है। और अगर हम नहीं बदले तो फिर वो रूढ़िवादिता वैसे ही आगे चलती चली जाएगी, और हम जाके भी हर चीज को समान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी ही कविता की पंक्तियां कुछ कहना चाहूंगी कि उड़ान कम नहीं होती, चाहे पाँव बंधे हो या छिले, जिंदगी पाती है नायाब रूप उड़ान की ऊंचाई से। तो बदलना जरूरी है, उड़ना जरूरी है, समय के साथ चलना जरूरी है। तो ये कहानी माँ बेटी एक परिवार सभी को ये संदेश देती है कि बदलाव जरूरी है जो हमने झेला। और पुरुष हमेशा गलत नहीं होता, पति बिल्कुल हमेशा गलत नहीं होता, पिता हमेशा गलत नहीं होता। इस कहानी में जो पति है और जो पिता की भूमिका में भी है, आपने देखा होगा कि वह एक ऐसी कड़ी है जो पूरे परिवार को बांध कर रखने की कोशिश जोड़ के करता है। रखते हुए तो मैंने कोशिश की है मंजू जी की अलग अलग आयाम जो हमारे समाज में अनदेखी समस्याएं हैं उसके अलग अलग आयामों को मैं सामने ला सकूं कहानी के माध्यम से। इसी तरह आपको कुछ और भी कहानियां मिल जाएंगी। बिल्कुल, एक कहानी की तो हम बात यहाँ जरूर करना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी तक की जितनी कहानियां हैं उसमें आपने समानता बनाए रखा है, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के दर्द को सामने लाने की कोशिश की है। तो बेजुबा कहानी में आपने ऐसी कौन सी खासियत देखी कि आपको बेजुबा जो कहानी है उसे लिखने का विचार आया, जो कि दलित बस्ती से जुड़ी कहानी है? तो इसके बारे में एक छोटी सी बात चर्चा तो जरूर होनी चाहिए कि ये कैसे उपजा। बेजुबा जो शब्द है क्या ध्वनित करता है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ध्वनित करता है? जिसकी जुबान नहीं है या कोई आवाज जो उठा नहीं सकता। बिल्कुल। तो कई बार हमारे पास स्वर तो है लेकिन उसको कुंठित कर दिया जाता है, परिवार की ओर से, समाज की ओर से, या कुछ परंपराओं का भी दबाव होता है। तो यहां मैं परंपराओं पर नहीं जा रही, परिवार और समाज की बात करती हूँ। हमारे समाज में उनको भी बेजुबान कहते हैं जिनको हमारे समाज ने एक औसत मानव की जिंदगी जीने का हक नहीं दिया। मैं जाति विशेष की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ वर्ण से कोई दलित नहीं होता। अगर वह धनी है तो वह आपसे बहुत बेहतर है, लेकिन अगर वह गरीब है तो जितनी बंदिशें होती हैं, सामाजिक बंदिशें,
वो उनके ऊपर होती है। तो यहाँ मेरा और स्त्री को भी इन बंदिशों के अंदर रखा गया है। तभी तुलसीदास ने कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। के यहाँ ताड़न अधिकारी का मतलब पीटना नहीं था, उद्धार से था। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यहाँ गवार का भी अर्थ ग्रामीण मात्र से नहीं था, उस व्यक्ति विशेष या समूह विशेष पर था जिसको सारे अधिकार प्राप्त नहीं है। स्त्रियों को सारे अधिकार प्राप्त नहीं है। बेजुबा कहानी में आपने दोनों चीजें पाई होंगी। एक धनाढ्य परिवार की स्त्री, ठाकुर की पत्नी, जिसके पास सारे ऐशो आराम है, वह मुंह खोले उसके पहले चीजें हाजिर हो जाए, हाजिर लेकिन हो क्या अधिकार नहीं है उसके पास। वह पुरुषों के मामले में दखल नहीं दे सकती, जाती है। वह कोई प्रश्न नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों। जी, और वो कोई वह सलाह भी नहीं दे सकती कि ऐसा होना चाहिए। सलाह तो दूर की बात है, पहले तो वह प्रश्न ही नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों। उनकी चौखट के बाहर अगर बैठक में कोई घटना घटित हो रही है, उसकी खबर तक उन तक नहीं आनी चाहिए। अगर उड़ती हुई आ भी जाए तो वह उस पर अपने विचार नहीं रख सकती है। इस कहानी में आपने यह भी गौर किया होगा कि कहानी एकालाप में है, लेकिन समालाप या संवाद जैसा प्रतीत होता है। कहानी एकालाप में है, बिल्कुल लेकिन हर जगह आपको लगेगा कि दो बात कर रहे हैं। बातें और संवाद भी स्त्री स्त्री में है। स्त्री स्त्री भी कौन है? 3 पीढ़ी है वहां पर। एक बुजुर्ग महिला, उसकी देवरानी जो उससे छोटी है, जो उस बुजुर्गियत की ओर बढ़ती महिला की दृष्टि में युवा है, पढ़ी लिखी है, सलवार कुर्ता पहनती है। उसमें एक जगह यह है ना कि तुम तो बाहर जाती हो तो सलवार कुर्ता भी पहनती हो, बिल्कुल यानी सलवार कुर्ता पहनना जिस स्त्री के लिए एक सपने जैसी बात हो, एक आधुनिकता जैसी बात हो। और वह हैरान होती है कि क्या तुम भी नहीं जानते क्या घटित हो रहा है इस हवेली के भीतर। फिर वह अपनी बेटी से पूछती है, एक ऐसी बेटी से जिसको पूरी हवेली, मतलब हवेली का हर व्यक्ति प्यार करता है, लेकिन वह बेटी भी कहती है, नहीं, अगर मैंने यह सवाल किया तो कल से मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। यह जाएगी। जो भय है, यह जो पुरुष का आतंक है, यह जो वर्चस्व की लड़ाई है, और अंत में वह महिला यही कहती है कि हमारे पास युवा थी ही कब, जी हाँ, हम तो शुरू से बेजुबान थे। तो स्वतंत्रता धन से नहीं आती, विचारों का होना स्वतंत्रता। जरूरी। अब मैंने यहाँ, और अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा है कि वहां जरूर किसी की लाश जल रही थी, वहां जरूर कुछ घटित हुआ था, वह किसी लड़की की चीख थी, और वह हंसी, और फिर वह उसको उस प्रश्न को छोड़ देती है, और अंत में अपने बेटों का नाम लेकर कहती है, हमने उनको दूध, मैं यहाँ नाम स्पष्ट नहीं कर रही हूँ, पाठक खुद पढ़े, कि हमने उनको दूध पिलाया है, उसकी हंसी पहचानते हैं हम। और यहाँ वह हंसी क्या उसको सुख दे रही है, एक माँ को, या उसको उस हंसी के पीछे एक पुरुष की दरिंदगी नजर आ रही है, जो किसी मासूम किसी मजलूम की चीख के साथ मिली हुई है। तो बेजुबा को मैंने अलग अलग एक ग्रामीण परिवेश में
जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव भी होता है, जहाँ स्त्री पुरुष के बीच का भी भेद होता है, और जहाँ आप पाएंगे कि जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है, महिलाओं की बंदिशें भी बढ़ती जाती हैं। वो घर के भीतर ठकुरानी हो जाए, महारानी हो जाए, लेकिन दहलीज के बाहर उनको हक नहीं है कि वो अपने मन से कुछ कर सके। जी, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। लगता है लोगों को कि ऐशो आराम है, इन्हें क्या चाहिए, लेकिन वो भी कुछ सब कुछ होते हुए भी उनके पास वो नहीं है जो होना चाहिए, अपनी बात रखने का हक। वो कहीं ना कहीं गुम होता है और उसकी चाह है उन्हें। बेजुबान कहानी का जन्म उस समय हुआ था जब, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, जब हमारे ही देश में ऐसी एक घटना घटी थी किसी मजलूम के साथ। सारी कहानी नहीं कहूंगी, लेकिन वह पहलू कहानी का वह हिस्सा सच्चा है। और अखबार से उस मासूम की चीख निकल कर मुझे कई रातों तक चैन से सोने नहीं दे रही थी। फिर कहानी बनती चली गई। अभी भी आपसे बात करते हुए मैं बिल्कुल उस परिवेश में जाने लगी थी। बहरहाल, आप अगर इस कहानी पर बतौर पाठक कुछ कहना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस यही कहना चाहूंगी कि हर उस महिला को एक भगवान ने जो आवाज दी है उसे बुलंद करने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। समाज में उसका जो स्थान है उसे मिलना चाहिए, और जुबान होते हुए भी कोई बेजुबान नहीं होना चाहिए। इससे आगे तो जब सभी इसे पढ़ेंगे तो अपनी अपनी राय एक बनती चली जाएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर किसी को अपने हिस्से का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। वो बिल्कुल, केवल दिखावटी नहीं होना चाहिए, केवल बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए उसमें, उसमें कुछ सच्चाई होना चाहिए। केवल थोथेपन से समाज नहीं चलता है, वो भी कहीं ना कहीं सिसकती होंगी, अपनी सारी चीजें होते हुए भी वो सिसकती होंगी, तो वो सिसकी बाहर जरूर आनी चाहिए। और इसका जो शीर्षक दिया गया है बेजुबा, बहुत ही सार्थक सिद्ध होता नजर आता है। यहाँ मंजूश्री मैं आपको आपका ध्यान एक और ले जाना चाहूंगी। जब वो अपनी बेटी से ज्यादा हैरान होती है कि तुम तो पढ़ रही हो, कॉलेज जा रही हो, उसके बाद भी मुझे लगा था कि तुम्हारे पढ़ने से इस हवेली का वातावरण बदलेगा, यानी स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता की कुछ सांसें आएंगी, वह संभव नहीं दिख रहा है उस माँ को। जब बेटी कहती है कि फिर मेरी पढ़ाई भी छुड़ा दी जाएगी, यानी वह भय भाइयों भय जी, शिक्षा के बाद भी बना का, हुआ है, पुरुषों, शिक्षा का क्या महत्व। तो माँ यहाँ क्या कहती है, फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? यानी हम तो पुराने जमाने के हैं, वो बार बार यही कहती है कि हम तो पुराने जमाने के हैं, तो हमने बंदिशों को झेला। अगर तुम आज पढ़ लिख कर भी चुप हो तो पढ़ाई का क्या फायदा? उसने कई जगह कभी देवरानी को कभी बेटी को यह कहा है, और निराश होती है कि ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो आपकी आवाज को खुले ना दे, जो आपको बेजुबा बना कर रखे। जी, देवरानी के तो पहनावे को लेकर, बेटी की अगर इस शिक्षा को लेकर वो इसमें जो कहती है वो इसी ओर इशारा करती है कि अगर तुम मुझसे 2 कदम आगे हो तो तुम आवाज क्यों नहीं उठा सकती, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर, तो अगर ये कहानी जगा सकती है हमारे पाठकों को, तो मुझे लगेगा मेरी कलम सार्थक है। इसी कड़ी में कुछ और भी कहानियां हैं जो
अपनी राज की जो परतें हैं वो खोलना चाहती हैं, तो मैं जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत में जो बातें हैं, जो जो उसकी सच्चाई है, ज्ञान देना, तो क्या वो अपनी दिशा में सही चल रहा है या फिर दिशा विहीन होकर चल रहा है, इस बात को उजागर करती हुई एक कहानी है बोंजाई। तो बोंजाई जो शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त जो दोहरी नीति है उस पर आधारित है, तो इस पर आप कुछ बताएं जिससे कि हमारे पाठक जो दर्शक हैं वो इसे समझ सकें कि कहाँ तक ये सार्थक है ये शीर्षक। बहुत पहले एक कहानी मैंने पढ़ी थी, इंटरव्यू। हालांकि वो शिक्षा जगत की नहीं है, लेकिन वह भी नौकरी से संबंधित थी। और अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो यह अमरकांत जी की कहानी है, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ। हो सकता है मेरे दिमाग से नाम उतर गया हो लेखक का। वो उनकी पहली कहानी थी, लेकिन यह कहानी उसकी प्रतिध्वनि नहीं है। आप ऐसा कह सकती हैं कि आज से 30-40 वर्ष पहले जो समस्या थी नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और वह समस्या ये नहीं थी कि नौकरियां कम हैं और लोग ज्यादा हैं। वो तो तब भी थी, अब और अधिक हैं। समस्या ये थी कि पहुंच किसकी कितनी ज्यादा है, मंत्री के रिश्तेदार कितने हैं, अधिकारियों के रिश्तेदार कितने हैं। अगर आपके पास आरक्षण का लाभ कितना है आपको, इन सब से गुजरते हुए ना 40 साल पहले एक योग्य अपनी योग्यता के अनुसार जगह पा सक रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई नहीं पा रहा था, लेकिन औसत अगर आप देखें तो अपेक्षाकृत कम था। और आज 30-40 वर्ष बाद भी यही स्थिति है। बल्कि अब तो अगर आप जा रहे हैं साक्षात्कार देने के लिए तो आपको कई लोग पहले बता देते हैं कि यहाँ तो इनका होना है, यहाँ तो उनका होना है। तो जब सब कुछ बाहर खुलेआम प्रचारित है, प्रसारित है, सबको मालूम है, तो फिर आप क्यों रचते हैं ये मकर जाल? ये मकर जाल ही है ना। आपने एक गाना बिल्कुल दे आज दिया है एक पद का, उस दाने को देखकर जो हजारों भूखी चींटियां आएंगी, आपको पता है वो कहाँ कहाँ से आएंगे या चीटे आएंगे? एक उम्मीद होती है साक्षात्कार का, एक पद एक उम्मीद होती है, और उस उम्मीद के लिए घंटों जर्नी करके लोग आते हैं, यात्रा करके लोग आते हैं। और वहां आके जब उनको पता चलता है कि सब कुछ नाटक है। यहाँ मैंने एक स्त्री के माध्यम से यह कहानी सामने रखने की कोशिश की है, और ये नहीं कहूंगी कि काल्पनिक है, ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि काल्पनिक है, क्योंकि यह काल्पनिक नहीं है। यह कई एक ऐसे उम्मीदवारों के साथ घटित घटनाओं का समुच्चय है। उसमें से जो लोग टिक जाते हैं, टिक जाते हैं, जो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं चरण पूजा का, वो भी टिक जाते हैं। जो लोग किसी अधिकारी गण या किसी बड़े पद वाले के साथ जुड़कर मार्ग बना पाते हैं, वे भी बना लेते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी संख्या ऐसे उम्मीदवारों की है जो नहीं चाहती कि हम अपनी योग्यता के अतिरिक्त कुछ और भी उपाय ढूंढे। लेकिन नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि सबको मालूम है कि वह योग्य है, सबको मालूम है कि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं दे सकते,
क्योंकि ये जो व्यवस्था बन गई है इसको क्या नाम दिया जाए, यह मैं पाठक के ऊपर छोड़ती हूँ। तो एक ऐसी महिला जो वर्षों तक संघर्ष करती होती है और बाद में वह विड्रॉ कर जाती है कि मुझे देना ही नहीं है, मुझे साक्षात्कार देना ही नहीं है, लेकिन फिर अपने शुभचिंतकों के कहने पर वह कोशिश करती है, फिर निराश होती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि उसकी निराशा के बीच मैंने एक दिया रख छोड़ा है। वह कहती है, नहीं, मैं बुंजाई नहीं बनूंगी, मैं बाकी की तरह अपने व्यक्तित्व का कद छोटा नहीं होने दूंगी। ठीक है, बुराइयां हैं समाज में, या तो हम उसका विरोध कर सकते हैं या हम उसको स्वीकार लें, उसको ओढ़ लें और अपने स्वार्थ की सिद्धि करें, या फिर अपने भीतर इतनी ऊर्जा पैदा करें, इतनी रोशनी पैदा करें कि हम उसको ठुकरा सकें। आप जी किसी भी गलत बात का तभी विरोध कर सकते हैं जब आप उसको ठुकरा सकें, उसको ठुकराने की हिम्मत पैदा करनी होगी। इस कहानी के माध्यम से नाम मैंने बुंजाई रखा है, लेकिन जो मुख्य पात्र है उसने यही कहा है, जी सर, मैं बुंजाई नहीं बनूंगी। उसने इस कुव्यवस्था को ठुकराने की हिम्मत अपने भीतर इकट्ठी कर ली है। आरती नहीं है और विवश भी नहीं है, अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास है कि देर है अंधेर नहीं। और मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत से लोगों की जो शिक्षित हैं, शिक्षित वर्ग हैं, काबिल हैं, पर उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है। ऐसी एक बड़ी भीड़ है, तो उन्हें शिक्षित बेरोजगार कहें हम या फिर उस स्थिति का शिकार कहें जो उन्हें समय ने बना दिया है, वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। उन्हें रोजगार उनके हक का मिलना चाहिए, लेकिन वो जो चाहते हैं वो उस स्थिति को वो समय नहीं दे रहा है उसे, या फिर लोग ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि उन्हें दिया नहीं जा रहा है। और ऐसे ऐसे पदों पर लोग बैठ रहे हैं जहां पर शायद किसी और की मौजूदगी शायद ज्यादा शोभा देती। चलिए, इस पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन इसे अपने हाल के लिए मंजूश्री आप देखना चाहिए। मंजूश्री, मैंने हर कहानी की पूरी परतें नहीं खोली। अगर मैं सारी परतें खोल दूं तो फिर पाठक क्या परतें खोलेंगे? तो मैं कई बिल्कुल एक बिल्कुल परतें वैसे ही छोड़ती हूँ। मैंने सिर्फ हर कहानी को आप ऐसा कह सकती हैं उसकी वानगी दी है। आपने कहानी पढ़ी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, और मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से अपने श्रोतागण और पाठक तक एक बात पहुंचाना चाहूंगी कि आप सबने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया, चाहे वो पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियां हो या पुस्तक के रूप में। और पुस्तक मेले में मुझे जिस तरह प्यार मिला, मैं अब तक अभिभूत हूँ। और यह मंच आप सबके लिए है। अगर आप लिखित मुझे भेजना चाहते हैं तो हर पुस्तक के पीछे नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप वह भेजें। अगर आप जुड़ना चाहते हैं परिचर्चा में तो आप अपनी इच्छा कि आप जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़कर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस तरह बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आमने सामने नहीं पूछ सकता या नहीं पूछ सकती, तो आप वो अपनी वीडियो क्लिप या ऑडियो कुछ भी मुझे भेज सकते हैं, उसको जगह मिलेगी चैनल पर और पत्रिकाओं में भी और मेरे ब्लॉग पर भी। तो आपकी प्रतिक्रिया का मुझे हमेशा हमेशा इंतजार रहेगा और मैं चाहूंगी कि मंजूश्री जैसी योग्य पाठक
जो मेरे मेरी नजर में अभी सामने नहीं आ पाए हैं वो मेरे सामने आए और एक मजबूत रिश्ता हमारा साथ साथ चलता रहे। जैसे कि इस कहानी संग्रह में जो कहानियां हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कहीं ना कहीं ये मेरी कहानी है क्या? हर कहानी के साथ ऐसा होता है, तो हर पाठक को मुझे लगता है कि ये महसूस जरूर होगा। और इतनी बारीकी से एक-एक जो पक्ष रखे गए हैं कहानी के, एक-एक घटनाएं और घटना की पृष्ठभूमि इतने सुंदर तरीके से बनाई गई है, तो सभी को ये पढ़ना चाहिए। और वर्तमान समय में घट रही घटनाएं जो पहले घट चुकी हैं उनसे जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये ब्लैक होल के भीतर। एक अंतिम कहानी की चर्चा के साथ हम आज अपनी ये बातचीत जो है इसको एक अल्प विराम देंगे, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे संग्रह हैं जिन पे हम आगे भी बात करेंगे। चांदनी, ये एक शिक्षा का आलोक जो कि दलित बस्ती को लेकर है वहां पर, तो इस पर एक आपकी जो राय है वो बताएं, और जिसके साथ हम यहाँ विराम लेके चांदनी। यहाँ मैं पहले आपकी राय जानना चाहूंगी, आपको पढ़कर क्या महसूस हुआ, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं और आप एक ऐसी शिक्षिका हैं जो बच्चों को अपनी ओर से पुस्तकें खरीद कर तोहफे में देती हैं, ताकि बच्चों में नैतिक गुणों का विकास हो, उनमें पढ़ने की रुचि जगे। जी हाँ, यहाँ पर मैं इस कहानी में मुझे ये लगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है या शिक्षा एक भाव है या क्या कहूँ, जिस पर सबका अधिकार है। तो अगर या ये ऐसी जगह में पहुंचता है जहाँ पर इसका पहुंचना दुर्लभ हो गया है माना जाए, और वहां जब वो पहुंच जाता है तो वो एक रोशनी के रूप में, वो एक चांदनी के रूप में बिखर जाता है और सबके चेहरों पर एक खुशी ही लाकर छोड़ता है। तो चांदनी ऐसे ही जहां पर शिक्षा पहुंची है और उसे पाकर बच्चे किस प्रकार खुशी का अनुभव कर रहे हैं ये चीज हम देख पाते हैं। बिल्कुल सही, आपने वो सब कह दिया जो मुझे कहना था मंजूश्री जी। और एक लेखक के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके उद्देश्य को पाठक समझ ले। और मैं फिर कहूंगी कि आप जैसी सुधी पाठक जो हमेशा पढ़ते खोलती हैं, मेरी हर विधा को आप पढ़ती हैं और उस पर आप बात भी करती हैं, हर एक के जीवन में चांदनी का वही महत्व है। और जीवन में चांदनी आती है शिक्षा से, और ये चांदनी का यहाँ अर्थ है कि दर्प नहीं, ज्ञान, विवेकपूर्ण ज्ञान, जिस पर हर एक का अधिकार है, जो हर एक तक पहुंचना ही चाहिए, हर एक को मिलना ही चाहिए। तभी हम कई तरह के अंधकार जो कि दिखते नहीं है उससे उभर पाएंगे। आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मंजूश्री। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जिन्हें मैं पढ़ रही थी उनके साथ आज बैठकर हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। जो इतनी सारी कहानियां मैं पिछले 10-15 दिनों से पढ़ रही हूँ और उनके बारे में और भी ज्यादा जानने का एक मौका मिला है, तो जो कहानियां हमने देखी यहाँ पर जिनके बारे में चर्चा की, तो जहाँ पर एक समानता नजर आती है, सभी के कष्टों को यहाँ पर आपने संजोया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो वृद्ध हो या बच्चे हो या फिर किसी भी वर्ग या किसी भी जाति समुदाय से जुड़े हो, सब में समानता को लेकर आपने अपनी पैनी नजर रखी है। आपकी कलम का जादू हमेशा की तरह ब्लैक होल के भीतर भी बिखरा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ये जो आपकी कहानी संग्रह है ब्लैक होल के भीतर, इसको आपने समर्पित किया है आदरणीय हरीश नवल जी को, तो उनके 76वें जन्मदिवस पर। तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आदरणीय हरीश नवल जी, जो कि साहित्य कमल जिन्हें मैडम ने संबोधित किया है, उनका आशीर्वाद इस संग्रह पर है। और वे एक अत्यंत एक बहुत ही बड़े साहित्य साधक हैं जिनसे मैं भी एक बार, मेरी भी बातचीत हुई है। मैडम, आपने उन्हें समर्पित किया है, आपको कैसा लगा? नवल सर से मेरी मुलाकात 14 वर्ष, 13-14 वर्ष पहले हुई।
और जैसे कि आपने बुंजाई कहानी पढ़ी, उसमें जो सकारात्मकता उस स्त्री में बची रह गई, वो ऐसे ही व्यक्तित्व का कमाल था। यानी कहीं ना कहीं एक अभिभावक का कैरेक्टर बिल्ड करते हुए, चरित्र निर्माण करते हुए, आपके सामने कोई एक पात्र होता है। जब आप पात्र का व्यक्तित्व रचते हैं, चरित्र रचते हैं, तो यथार्थ जीवन में कोई एक चेहरा, कोई एक व्यक्तित्व आपके सामने घूमता नजर आता है। तो मुझे कहने से कोई परहेज नहीं कि आदरणीय नवल सर, हालांकि मुझे उनसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, मैं हिंदू कॉलेज की छात्रा नहीं हूँ, लेकिन उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन हमेशा मिला है, और उन्होंने अपने छात्रों को बहुत दिया है। तो नवल सर को यह पुस्तक समर्पित करके मैंने बस अपने भाव अर्पित किए हैं, भाव पुष्प अर्पित किए हैं। और बातचीत खत्म करने से पूर्व मैं इस पुस्तक के प्रकाशक अद्विक प्रकाशन के कर्ता धर्ता अशोक गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने आज इस ब्लैक होल के भीतर जो कहानी संग्रह है इस पर एक सार्थक बातचीत हमारे साथ की, कहानी की परतें खोली और पाठकों को जिज्ञासा से भर दिया कि वो इस कहानी संग्रह को पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद कि वे आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ इस बातचीत को मैं यहाँ पर अल्पविराम देती हूँ, और इसी वादे के साथ मैं मंजुश्री वेदुला आपसे विदा लेती हूँ कि अगली पुस्तक के साथ, अगली कहानी संग्रह या कविता संग्रह के साथ आपसे मैं पुनः जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।